फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में एक ऐसा रेड पैंट शेयर करने वाली हूँ जो कि उन महिलाओं के लिए है जिनकी अभी रिसेंटली डिलीवरी हुई है। चाहे आपकी सिजरियन डिलीवरी हुई हो या आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई हो, डिलीवरी के बाद हमारा शरीर काफी कमजोर हो जाता है और रिकवर होने में हमें काफी टाइम लगता है। अगर आप अपनी डाइट को सही तरीके से फॉलो करते हैं, यानी अपनी डाइट में हर वो एलिमेंट को आप शामिल करते हैं जो कि आपको स्ट्रेंथनिंग देता है, आपकी वीकनेस को दूर करता है, प्लस आपका मोटापा भी नहीं बढ़ाता है या जो भी मोटापा आपका बढ़ा है उसको कम करता है, अगर इस तरीके की डाइट आप फॉलो करते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट डाइट होती है। आज जो मैं आपको डाइट प्लान बताने वाली हूँ ये इसी तरीके का डाइट प्लान है। एक तो ये आपकी वीकनेस को दूर करेगा, प्लस जो आपका एक्युमुलेटेड फैट है जो कि आपका 9 महीने से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचा है वो आपका रिड्यूस होगा, प्लस अभी जो आपको क्रेविंग्स हो रही हैं या जो वीकनेस है वो भी आपकी कंट्रोल होगी और धीरे धीरे करके कम होगी। इस डाइट प्लान में आपको सब कुछ मिलेगा, प्रॉपर मात्रा में आपको प्रोटीन भी मिलेगा, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी मिलेंगे, हेल्दी फैट्स भी मिलेंगे, ये सारी चीज़ें डाइट प्लान में मिलेंगी। अगर आप एक लैक्टेटिंग मदर है, यानी कि अगर आप अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं, तब भी आप इस डाइट को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लगातार मेरे चैनल पर आते रहती हैं। फ्रेंड्स, डाइट प्लान स्टार्ट करने से पहले मैं आपका एक मिथ तोड़ना चाहती हूँ। देखो, काफ़ी लोगों को ना ये वहम होता है कि डिलीवरी हो गई है या हम बेबी को फीड करा रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खाना खाना चाहिए। कई पेरेंट्स या जो घर में हमारे बड़े होते हैं, जैसे सासू माँ है या हमारी मदर है या दादी माँ है, वो लोग हमें बोलते हैं अभी तो कुछ मत सोच, सिर्फ तू खाना खा, तू खाना खा, तुझे बच्चे को दूध पिलाना है। तो देखो, ऐसा नहीं होता है। आप अगर बच्चे को दूध पिला रहे हो, एक दिन में 500 से 600 एक्स्ट्रा कैलोरी खाने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसे लगता है कि आपको 2 लोगों के लिए खाना चाहिए, बहुत सारा खाना खाना चाहिए, तो ऐसा करने से आप सिर्फ लगातार मोटे ही होते जाएंगे, इसके अलावा आपको और कोई फ़ायदा नहीं होगा। कुछ लोगों को लगता है अगर वो ज़्यादा खाना खाएंगे तो उनका दूध ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूध के प्रोडक्शन के लिए आपको अदर तरीके की चीज़ें खाना ज़रूरी है जो कि आपको इसी डाइट में मिलेंगी और मैं आगे आपको बताते जाऊँगी। तो अपने दिन की शुरुआत आपको करनी है 2 गिलास गर्म पानी से। अभी स्टार्टिंग में अगर आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो आप अजवाइन का पानी नहीं पीजिए, साथ में जो जीरे का पानी वगैरह पीते हैं उसको भी आप पीना अवॉइड कीजिए। कई बार इसकी वजह से बच्चे को पेट दर्द हो सकता है या फिर उसको दस्त जैसे इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे 2 गिलास गुनगुने पानी से। ठीक है, गर्म पानी पीने से एक तो आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है, आपकी बॉडी की इंटरनल क्लिंजिंग होती है, और जिन महिलाओं को डिलीवरी के बाद से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उनकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक क्योर हो जाती है। तो दिन की शुरुआत आपकी होगी 2 गिलास गर्म पानी से। इसके बाद में आपको लेने हैं नट्स, और ये नट्स आपको एक रात पहले भिगो के रखने हैं, जिसमें आपको क्या लेना है, आपको 4 बादाम लेने हैं, 2 अखरोट लेने हैं, 1 अंजीर लेनी है और 2 यहाँ पे आपको छुआरे लेने हैं, जो ड्राई डेट्स आते हैं वो। इन सारी चीज़ों को आपको एक रात पहले पानी में भिगो के रखना है और सुबह आपको ये खाना है। किस वक्त खाना है, देखो मान लीजिए आप 6 बजे उठे हैं तो 6 बजे आपने गर्म पानी पिया, अब करीब 7 बजे आपको ये नट्स खाने हैं। अगर आप लैक्टेटिंग मदर हैं, बच्चे को दूध पिलाते हैं, तो साथ में आपको 1 गिलास दूध पीना भी ज़रूरी है। लेकिन अगर आप बच्चे को दूध नहीं पिलाते हैं तो यहाँ पर आप ये 1 गिलास दूध अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन नट्स आपको तो भी खाने हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे ब्रेकफास्ट पे। देखो, जो भी न्यू मदर होती है ना, चाहे वो बेबी को फीड करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, उन लोगों के लिए रात की नींद पूरी करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि बच्चे के साथ पूरी रात जागना, उसको दूध पिलाना या फिर दूध बना के देना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से नींद पूरी नहीं होती। जब हम अच्छे से सो नहीं पाते हैं तो सुबह उठ के हमें भूख ज़्यादा लगती है, तो ऐसे केस में आपका जो ब्रेकफास्ट है वो थोड़ा हाई साइड होना चाहिए, यानी कि थोड़ा हैवी होना चाहिए, जिसमें आप 2 स्टफ रोटी ले सकते हैं, जिसमें आप पालक की रोटी भी ले सकते हैं, मेथी की रोटी ले सकते हैं, या बीट रूट की रोटी आप बना के ले सकते हैं, या पराठा भी आप बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप पराठा बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा घी या तेल का अप्लाई मत कीजिए, बहुत हल्का सा घी तेल लगा के आप पराठा भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अदरवाइज 2 रोटी आपको लेनी है और साथ में आपको 1 कटोरी दही लेनी है। यहाँ पे जो आप स्टफ रोटी ले रहे हैं इससे आपको सही अमाउंट में कॉम्प्लेक्स का प्रोटीन और मिनरल्स मिलते हैं, साथ में आप दही लेंगे जो कि प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है और साथ में बहुत अच्छा प्रोबायोटिक, यानी कि आपके गट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको लेना है। प्लीज चाय पीना आप अवॉइड कीजिए। जो महिलाएं प्रेगनेंसी में और डिलीवरी के बाद सुबह उठ के खाली पेट चाय पीती हैं
उनमें से ज़्यादातर महिलाओं को एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो कोशिश कीजिए कि चाय को आप पूरी तरीके से सुबह के टाइम में अवॉइड करें। दही और रोटी आप ले सकते हैं। कई घरों में दही खाना अलाउ नहीं होता है डिलीवरी के बाद, तो देखिए आपको फ्रिज का रखा हुआ दही नहीं खाना है, वो आपको नुकसान दे सकता है, लेकिन फ्रेश दही जो आपने रात को जमने रखा था, सुबह जब वो बिल्कुल फ्रेश है उस वक्त आप उसको खा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट। इसके अलावा कभी कभी एज अ चेंज आप ब्रेकफास्ट में दो चीला भी ले सकते हैं, जो बेसन का चीला भी हो सकता है या फिर आप मूंग दाल का चीला भी ले सकते हैं। तो ये हो गया ब्रेकफास्ट। मान लीजिए आपने अपना ब्रेकफास्ट 9 बजे तक खत्म कर लिया, अब करीब 11 बजे के आसपास आपको कोई भी एक फ्रूट लेना है, जिसमें आप पपाया ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, गावा ले सकते हैं, कोई भी फल आप अपनी पसंद का लेना है आपको 150 से 200 ग्राम तक। अगर आप पपाया लेते हैं या एप्पल लेते हैं तो ये फाइबर में काफ़ी ज़्यादा रिच होते हैं, वाटर कंटेंट इसमें अच्छी मात्रा में होता है, जो कि आपके पेट को साफ करता है। काफ़ी महिलाओं को डिलीवरी के बाद कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, उनको इस चीज़ का ध्यान खास तौर पर रखना चाहिए कि वो कोई ना कोई एक फ्रूट का सेवन डेली बेसिस पर ज़रूर करें। इसके बाद करीब 12:30 बजे आपको लेना है एक प्लेट सैलेड। सैलेड में आप गाजर ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, ककड़ी ले सकते हैं, मूली ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं या बीटरूट ले सकते हैं। जो भी सलाद आप खाना चाहते हैं वो सलाद आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर बीटरूट को आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो ये आपके बच्चे के हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा, आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। ये आपके हीमोग्लोबिन को भी इंक्रीज करता है, साथ ही साथ इसमें बीटा कैरोटीन अच्छी मात्रा में होता है, तो ये आपके बच्चे की हेल्थ के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपकी हेल्थ के लिए। बीटरूट को भी आपको अपने सलाद में ज़रूर शामिल करना है। और सलाद खाने के 15 से 20 मिनट के बाद आपको लेना है अपना लंच। लंच आपको एक प्रॉपर प्लेटिंग के थ्रू लेना है, यानी कि इसमें आपको एक कटोरी दाल लेनी है, एक कटोरी सब्जी लेनी है, साथ में 2 रोटी लेनी है, और अगर दही आप खाना चाहते हैं तो लंच में भी आप एक कटोरी दही या तो फिर एक ग्लास छाछ ले सकते हैं। इस तरीके से बिल्कुल बैलेंस करके आपको अपना मील लेना है। यहाँ जो रोटी आप खाओगे आपको अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। कोशिश करना कि गेहूं की रोटी की जगह आप यहाँ पे बाजरे की या रागी की रोटी खाएं, या तो फिर मल्टीग्रेन वाली रोटी खाएं, तो वो आपके लिए ज़्यादा न्यूट्रिशियस होगी। ठीक है, दाल आपने ली, ये आप प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। दही आपने ली, ये भी प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। साथ में सब्जी अगर आप लेते हैं तो वो आप फाइबर में काफ़ी रिच होती है, साथ ही साथ उसमें मिनरल्स भी अच्छी मात्रा में होते हैं। तो इस तरीके से आपकी एक बैलेंस प्लेट बन जाएगी। ध्यान रखना कि आपको इससे ज़्यादा अमाउंट में रोटी या चावल नहीं खाना है, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में आप खाइए, और एक बार में बहुत सारा मत खाइए। जब आप एक बार में बहुत सारा खाते हैं ना, तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और आपका वजन घटने की बजाय बढ़ते चले जाता है। तो ध्यान रखना कि एक साथ बहुत सारा मत खाओ, थोड़ा थोड़ा करके खाइए, क्योंकि डिलीवरी के बाद अभी आपका जो डाइजेशन सिस्टम है ना, उसको भी अपने रूटीन में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इस वक्त अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे तो इससे आपका डाइजेशन डिस्टर्ब होगा, जिससे कि आपका फैट लगातार बढ़ता जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके आपको खाना खाना है। लंच आपका हो गया। अब लंच करने के आधे घंटे के बाद आपको लेना है 1 कप ग्रीन टी। किसी भी ब्रांड का कोई भी ग्रीन टी आप ले सकते हैं। ठीक है, ग्रीन टी हो गया। अब आ जाते हैं हमारे इवनिंग स्नैक्स में। शाम को आपको लेना है 1 गिलास चिया वाटर। चिया वाटर में क्या करना है आपको, चिया सीड्स को 15 मिनट के लिए पानी में सोख करके रखना है। 1 चुटकी के आसपास इस पर नमक डालिए, घोलिए और इसको पी जाइए। जो चिया सीड होते हैं ये फाइबर में काफ़ी रिच होते हैं, साथ ही साथ मिनरल्स में भरपूर होते हैं, तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। चिया सीड का सेवन आप ज़रूर करो, ये आपको वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं और बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। ये हो गया। इसके साथ साथ अगर आपको शाम के टाइम में भूख लग रही है तो आप 1 कटोरी रोस्टेड मखाने ले सकते हैं। मखाने कैल्शियम में काफ़ी रिच होते हैं, जो कि आपकी मस्की रिकवरी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। डिलीवरी के बाद ज़्यादातर महिलाओं को कमर में दर्द की शिकायत, हिप्स में दर्द की शिकायत, या हड्डियों में दर्द, या हाथों में यहाँ पे बहुत दर्द होने लग जाता है, उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है कैल्शियम की कमी। तो कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए आपको रोस्टेड मखाने लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत फ़ायदेमंद है। आप इनको दूध में डाल के भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इवनिंग स्नैक्स तक आ गए। अब आ जाते हैं हमारे डिनर में। देखो, डिनर से लगा के ब्रेकफास्ट तक ना एक बहुत लंबा गैप होता है हमारे खाने के बीच में, तो कभी भी अपने डिनर को आपको स्किप नहीं करना है और डिनर को आपको टाइम से खाना है। क्या टाइम रहेगा ये आप अपने हिसाब से चूज करेंगे। देखो, जो नए मदर होते हैं ना, उनका पूरा रूटीन उनके बच्चे के हिसाब से सेट होता है। अगर आपका बच्चा टाइम से सो जाता है, 9-10 बजे तक सो जाता है, तो आप अपना डिनर 7 बजे तक कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपका बच्चा रात को 12 बजे या 1 बजे सोता है, तो आप अपना डिनर 9 बजे के आसपास कीजिए। जी हाँ, सोने से 2.5 से 3 घंटे पहले आपको अपना डिनर करना है, जिसमें आपको लेनी है 2 रोटी, 1 हरी पत्ते वाली सब्जी। कोई भी सब्जी ले सकते हैं आप, पालक का साग, बथुए का साग, या मूली के पत्तों का साग, चने का साग, कोई भी इस तरीके का एक हरे पत्ते की सब्जी आपको लेनी है, और साथ में आपको लेना है 1 कटोरी दाल।
ठीक है, ये आपका डिनर हो गया, दो रोटी यहाँ पे आपको लेनी है। डिनर करने के आधे घंटे के बाद आपको ग्रीन टी लेना है और रात को सोने से पहले आपको लेना है 1 कप दूध, और साथ में जो हमारे घर में लड्डू बनता है ना, पंजीरी बनती है नई मदर के लिए, वो 1 लड्डू आपको लेना है। इससे एक तो आपको पूरी रात भूख नहीं लगेगी और साथ ही साथ ये आपके मिल्क प्रोडक्शन में भी हेल्प करेगा। इसके अलावा जिन भी महिलाओं को दूध नहीं आता है उन लोगों को अपने खाने में जीरे का सेवन ज़रूर करना चाहिए। जो जीरा होता है ना, जिससे हम सब्जियों में तड़का लगाते हैं, वो भी आपके दूध के फ्लो को बढ़ाने का काम करता है। साथ में लंच में और डिनर में दोनों टाइम में मैंने दाल रखी हुई है। दाल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी में रिकवरी करने के लिए भी, प्लस आपके मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी। इस डाइट प्लान को अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा अपने हेल्थ को रिकवर करने में, प्लस अपने वेट लॉस को करने में। आई होप कि आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। इस टॉपिक से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।